तो तुम्हारा चिपका दे। भैया मान्य से बोल देना मेरे को निकालना है। मान्य मान्या आयुषी को निकाल देना, ना मत निकालना, बस वो क्विज नहीं खेलेगी। बाकी बोल रहे आज कैमरा बंद रखेगी, ठीक है? तो मैं तुम्हें और भैया मैं क्विज के टाइम ओपन कर लूंगी तब मेरा चेहरा देख लेंगी। सुनाई मुझे अभी देखना। और मान्य को बना दे शौर्या, शौर्या नाम से आया है बंदा, शौर्य पहाड़िया, अचर्म पहाड़िया। भैया हाँ चलो, ए हल्ला नहीं, घूसा मार सकते हैं। हाँ आप दोनों इधर आ जाओ, इस वाली जगह आ जाओ बच्चे। देखो तुम्हारा मोहल्ला 10th में अच्छा कर रहा है, तुमको भी करना है भाई। हाँ मैं कभी कभार आता है ना साला, और पुराना वीडियो भी नहीं देखता कभी मुझसे। अच्छा तुम सुन रहे थे क्या? सॉरी भाई, वाई वोट आना येल्लो वाला नीचे जो गिर गया। अरे 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 हाँ भाई, तो क्या सभी को वो टेबल याद होगी जो कल आपको दिखाई गई? जिसको वो टेबल याद है आपको आज बहुत बेनिफिट होएगा, और जिसको टेबल याद नहीं है आज का क्विज तुम्हारा सबसे बर्बाद होएगा। नहीं यस, अबे इसको समझाना नहीं, उसको रटना है। उसमें समझाऊं क्या? प्लस टू कैसे आया? जो है सो है, उसने 2 बार किया है। भैया भैया हाँ भैया हाँ ए चपाट पड़ेगा। हाँ सुने भाई ध्यान से। हाँ चलो अब सभी लोग यहाँ, ठीक है? अपन देखेंगे, अगर आज कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो अपन आज अपन क्विज नहीं खेलेंगे। भैया हाँ चलो, क्या बोल रहे हो? हल्ला आयश की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, आयश की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही भाई, तुम हो गए वो मेरे को कैसे नहीं हो परेशान कर रहा है। रहा? इसको तो भूसा मारेंगे, ज्यादा परेशान किया। हाँ सभी लोग को मैं पूरे पूरे बोल भाई। हाँ चश्मा लगाना है तुम्हें, ठीक है? अभी बैठ जाओ और चश्मा लगाओ। हल्ला नहीं, अगर जिसने बोला उसको भगा दिया जाएगा। चले भाई अब यहाँ देख, मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई करो ये टेबल दिमाग में आ जाए जल्दी से। हो जाएगी, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की डैश नहीं होती। बहुत बढ़िया, हल्ला नहीं। भैया यस मैं परेशान परेशान परेशान, यही सुना देंगे मुंह में। बात करते 9th वालों से, भैया 9th वाले हल्ला नहीं। अब जिसने हल्ला मचाया उसके मुंह पे ये लाऊंगा और ऐसे पैक कर देंगे उसका मुंह, इससे मजे आ जाएंगे। काय? हाँ भाई हाँ, जल्दी तुम्ही को करेंगे जल्दी। अल्लाह नहीं, अगर तुम अपना मुंह इसके अंदर इमेजिन कर पा रहे हो तो अल्लाह मचाओ। सोच लो कितना गंदा है ये, और तुम्हारा मुंह इसमें पैक हो रहा है, और फिर तुम ऐसे करना। वो कौन सा है भाई, वो वाला स्टेप कौन सा है? क्या चलो जल्दी करो भाई, लुंगी डांस जल्दी करो, जल्दी करो यार। चलो, यू रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड। थैंक यू भाई जिसने भी याद दिलाया है।
चले अब सभी लोग यहाँ देखेंगे, अल्लाह नहीं सभी लोग, हाँ भाई सभी लोग यहाँ देखेंगे स्पीड में। आज की क्लास सबसे तगड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल तैयार होके बैठ जाओ और फोकस से समझना, जो भी समझाएंगे तभी आपको चीजें समझ आएंगे। तो आप ध्यान से सुनो, लास्ट क्लास में अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हर एटम के पास तीन छोटे छोटे लोब थे, एटम के अंदर भी जो लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे, एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन, है ना भाई। अभी मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काम के नहीं है फिलहाल के लिए, चैप्टर फोर में सब लोग आएंगे। अभी के लिए बस ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन मेरे काम का, क्या काम का है भाई इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देखो, ये जो है ना भाई थोड़ा सा समझाने पर्पस से, अभी इसको डरना नहीं है। सोडियम, किसी को इसका एटॉमिक नंबर याद है कितना होता था? एटॉमिक नंबर 10, बिल्कुल सही। मैं एटॉमिक मास नहीं, मैं 11, हाँ 11 है ना, 23 नहीं, क्यों? क्योंकि भाई 23 तो एटॉमिक मास है। आप बात करोगे तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा और फिर उसमें दुख हो सकता है आपको। सोडियम का भैया एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर अभी आपको डरने की बात नहीं है, इसको मैं ऐसे करके ब्रेक करके कुछ बता रही, मैंने क्या लिखा है चैप्टर फोर में समझ में आएगा, बट आप इतना समझो कि ये स्टेबल रहना चाहता है। याद है कल शादी हो रही थी, लोग स्टेबल रहना चाह रहे थे, तो हाँ तो सोडियम भी स्टेबल रहना चाहता है। लेकिन सोडियम के पास एक दिक्कत है कि उसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको परेशान कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। और बताओ जब कोई इलेक्ट्रॉन को दान देता है, कोई भी चीज दान देते हो तो अच्छा काम है, बढ़िया चीज है, इसलिए उस पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो देता है उस पे +1 चार्ज आ जा कि भाई तुमने एक इलेक्ट्रॉन का दान दिया। कोई तुक्का लगेगा एमजी ने कितने का दान दिया होगा? दो का। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बताता, बताओ एमजी का एटॉमिक नंबर किसी को याद है कितना था? एमजी का होता है 12, है ना, सोडियम मैग्नीशियम, अगर आपको याद हो भैया ये होता है 12। बताओ इसके पास भी दिक्कत क्या हो रही है? ये दो, इसलिए क्या करता है बोलता है मैं दो को दान दे दूंगा। बताओ क्योंकि ये दो को दान दे रहा है इसलिए इस पे क्या चार्ज आया है? +2। तन्ना रहा है। एक और एग्जांपल, ये समझ में ना भी है तो चल जाएगा, चैप्टर फोर का पार्ट है, बट थोड़ा सा बता रहे हैं। एल्यूमिनियम, बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। बताओ उसके में क्या दिक्कत हो रही है? 83। ये 3 इलेक्ट्रॉन उसको दिक्कत दे रहे थे इसलिए उसने क्या बोला कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स का दान दे दूंगा, तो उस पर +3 आ गया। अब बताओ अगर कोई दान देता तो उस पर क्या चार्ज आता है? प्लस का। तो बताओ माइनस का क्या मतलब होएगा? वो लेता है। यस वेरी गुड। हाँ तो सुने भाई, जो जितने भी नेगेटिव वाले सब ले रहे हैं, इन लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और सोडियम, इन लोग क्या देखो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। देखो एक एग्जांपल बताते, क्लोरीन, कोई मुझे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताएगा? सोच के फिर से सोच लो, टेबल 70। बताओ 70 है तो इसके में क्या होगा? 2 8 7। अब ध्यान से देखो, इसने बोला अगर मेरे को 8 मिल जाएंगे बाहर तो मेरे को जिंदगी में सेट हूं मैं। इन लोग को क्या रहता है? 8। देखो सबको 8 चाहिए आउटर में, 8 8 8। देखो अगर इसका 1 चला गया तो देखो 8 आ गया, 8 नहीं। इसके बाद 2 चला गया, देखो 8 आ गया। इसके बाद 3 चला गया, क्या आ गया? 8। आखिरी में 8 चाहिए सब, बस। बताओ इसको अगर 1 मिल जाएगा, बताओ क्या आखिरी में 8 आ जाएगा? इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है कि भाई 1 दे दो मेरे को, जैसे तुम 1 दोगे मेरी जिंदगी सेट है, मैं 8 आ गया आखिरी। इसी लेने देने की प्रक्रिया को हाँ अपन शादी कहते हैं। सुनो भाई, हाँ तो सुनो, अब मैं तुम्हें एक बताता हूँ। तुमने नमक खाया सभी ने? हाँ भैया। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। बहुत सीरियसली पढ़ो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा भैया। NaCl किसका फॉर्मूला है? नमक का। अब ध्यान से बताओ, सोडियम का फॉर्मूला अब भी मैंने सीखा, वो क्या होता है? +1। और क्लोरीन क्या होता है? Cl-1। तो पता है तुम्हें हुआ क्या? सोडियम के पास याद करो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। उसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान बताओ किसको दिया? क्लोरीन को। इसने ही इलेक्ट्रॉन ले लिया था और दोनों साथ में रहने लगे। ये था बैक एंड में, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन का दान दिया, जो दान देता उस पे आता क्योंकि उसको 8 चाहिए। मैंने बोला ना स्टेबल रहना उन लोग को, स्टेबल। आप बताओ इनके घर पे ऐसा समझ लो, अगर आखिरी में 8 नहीं है
तो इनके ये लोग सरवाइव नहीं करते, तुरंत मर जाते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं भाई मुझे सरवाइव करना, मुझे जिंदगी जीनी है, तो इसलिए ये लोग क्या करते, किसी तरीके से आर्ट लेने का ट्राई मारते हैं आखिरी में। या तो आखिरी में अगर इनके पास एक्स्ट्रा रहता है तो दान दे देते हैं, कमी रहती है तो ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देते, रुक जाओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, हाँ चलो ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, मुझे तो ऑक्सीजन, हाँ चलो है तुम्हारे सिलेबस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। आर यू श्योर? एट होता है, बताओ एट होता तो इसके में क्या लिखूंगा, टू और सिक्स, बताओ इसको अपनी जिंदगी जीने के लिए आखिरी में क्या चाहिए था, आठ, कितने की कमी थी, दो दो, दो लेगा या देगा? हाँ लेगा, इसलिए देखो माइनस टू आया। वाओ, दो तो थोड़ी बहुत मैंने तुम्हें समझा दिया, एक्चुअली चैप्टर फोर का पार्ट है, जो भी पढ़ाया गया चैप्टर फोर है, पर पहले चैप्टर फोर पढ़ाना था लेकिन सिलेबस में तुम लोग एटम 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 लगे थे, मेरे को तो चैप्टर फोर ही पढ़ाना था पहले, फिर तुम लोग ही सबने उसमें भर दिया एटम मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल एटम, इसलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ा, लेकिन आप ही चलो तो पहले ठीक वो है। पढ़ा लो। बताओ क्या आपको थोड़ी बहुत समझ आया है, ये अपन पूरा रिवाइज करेंगे चैप्टर फोर में, अभी के लिए इसलिए मैं तुम्हें टेबल समझा नहीं रहा हूँ, कोई बोला था ना टेबल समझाओ टेबल समझाओ, ये चैप्टर फोर है बे, इसलिए नहीं समझ। हाँ अब बताओ, अभी थोड़ी बहुत समझ आया कि भाई हो क्या रहा था, कमिंग सून चैप्टर फोर, ठीक है भाई, इसका कुछ भी यूज नहीं, जो भी बताया कुछ भी यूज नहीं है, वो तो बस आपको ये बताने प्लस वन माइनस टू, प्लस टू क्यों आया है, किस पे आया है, वो बताने के लिए, अगर तुम्हें जानकारी नहीं चाहिए उसको रट लो सिंपल, अभी के लिए चैप्टर फोर में आपको पूरी टेबल का पता चल जाएगा साला आ क्यों रहा था। समझ आ गया भाई, कोई डाउट है किसी को? अब चलो मैं अज्यूम करता हूं कि आज की डेट पे अपन को याद नहीं है, और अपन आज प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, तो अपन फिलहाल के लिए ये आपके सामने ऑलवेज ओपन है, और अब अपन इस पे सवाल करने वाले, तो बहुत ध्यान से देखिए इस टेबल का एक्चुअल यूज, ठीक है भैया मैं थोड़ी बहुत समझ गया हूँ, बाकी अभी मैं डिटेल में समझूंगा जब आप चैप्टर फोर कराओगे, अभी मेरे सिर के ऊपर से गया जो भी तुमने बोला है, बस हाँ मुझे इतना समझ में आया ये लोग तो अपनी जिंदगी जीनी है इसलिए लेना देना कर रहे हैं, इसके बाद ज्यादा है वो दे देता है, जिसके पास कम है वो ले लेता है, बस तुम्हें बस इतना ध्यान रखना, क्या याद में रखना है, जिसके पास ज्यादा है वो देता है, जिसके पास कम है वो लेता है, ये तो दुनिया की रीत ही है भाई, लेन लेन देन, जिसके जिसके पास नहीं है वो ले लेगा, जिसके पास है वो दे देगा, है ना भाई, मान लो तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम फिर कैसे लगे, है ना भाई, तो यही है, तो आप सुने भाई अब अपन स्टार्ट करेंगे, तो भैया ये टेबल से हम क्या लेना देना सीख रहे हैं कहने का, हाँ डिस्टर्ब नहीं, अब यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो सभी लोग प्लीज, प्यार नहीं, हाँ क्वेश्चन लिखे, एक ही क्वेश्चन है और वही पूरा चलेगा, जैसे याद है मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन वैसा ही है, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये मैं लिख के ले लो, 5 नंबर का क्वेश्चन पेल रहा हूं तुम्हारे पेपर में, मेजर थ्री में, क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, निम्न लोगों का फॉर्मूला बताएं, निम्न लोगों का केमिकल फॉर्मूला बताएं, थैंक यू हिंदी का चलो यहाँ देखो सभी लोग, अब बहुत आराम से समझना है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, चिल ओके करेंगे, है ना भाई, तो यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला चाहिए मेरे को, है ना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता आज सीखो ये फॉर्मूला आया कैसे था, है ना, तो यहाँ देखो भाई सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बताओ सभी लोग, मुझे बताओ सभी लोग यहाँ देखना, लिखना मतलब आराम से बैठो, है ना, 2 मिनट अपन को देखना है, मैं 4 क्वेश्चन करूंगा उसके बाद अपन को लिखना है, उसके पहले लिखोगे हो सकता है सिर के ऊपर से कुछ चला जाए, इसलिए आराम से बैठ के देखना, कुछ लिखना नहीं, मुझे बताओ सोडियम का इस टेबल के हिसाब से क्या होता है, पूरा चार्ज के साथ बताओ, Na+1, कोई डाउट भाई, भैया मैं 1+ लिखूं प्लस 1 लिखूं फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो, बताओ क्लोरीन कितना दिख रहा है या क्लोराइड, -1. Cl-1, बताओ किसी को इसमें डाउट है, तो स्टेप 1 मैंने भैया उस टेबल को छाप के लिख दिया जो काम काम का आपने पूछा था, अब सुनो करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, अब तुमने वाली पिक्चर देखी अक्षय कुमार वाली, बताओ जल्दी से ये कौन सी पिक्चर का है, ऐसे टिंग चल बताओ, फिर फिर किसका है भाई, ये फिर हेरा फेरी का है क्या, तो
जेलर जेलर का है। अच्छा तो यहां सुनो, सुनो क्या करना है तुम्हें। एनी लोरी, ध्यान से देखना, तुम्हें करना है स्वैप। स्वैप ध्यान से देखो, तुम्हें करना है स्वैप, इसका इसको दो, उसका इसको दो, बस। गलत हाँ गलत चीज चीज। नहीं। हाँ क्रॉस पॉलिनेशन। यहां सुनो भाई, सभी लोग ध्यान से सुनो, बताओ अगर ये वन है और ये वन है, तुम्हें दिख रहा है यार, अल्लाह नहीं भाई, फोन अंदर रख दे। हाँ यहां देख, यहां सुनो भैया, ये प्लस वन है माइनस वन है, अगर सेम साइन रहेगा तो ध्यान से देखो मैं करने क्या वाला हूं, ध्यान से देखना, ये एन ए है और जो इसका चार्ज है वो इसको दे दो नीचे। अच्छा फिर से सुनना, इसका जो चार्ज है वो इसको दे दो नीचे, और ऐसे ही जो इसको लिख दो, और इसका जो चार्ज है वो किसको दे दो, उसको। अब वन वन कभी लिखते हैं क्या अपन? नहीं, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, एनी से ये होता है इसका फॉर्मूला। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना और ये करना है, रुक जाए भाई, बिल्कुल अभी कोई सवाल नहीं। चार के पहले क्वेश्चन नंबर टू, और जो लिख रहा है भाई आप अपनी रिस्क पे लिख रहे हैं, मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको मना कर रहे हैं आप तब भी लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर टू यहां देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए मुझे, फिर से अपन वो टेबल पे जाएंगे। बताओ मैग्नीशियम किसी को याद है कितना होता है? एम जी प्लस टू। ध्यान से देखो, बताओ ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ओ माइनस टू। तो ध्यान से सुनो, बताओ क्या इन दोनों के सेम नंबर्स थे? तो नंबर कैंसिल होगा, क्या बच गया? NaCl। इसमें भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर सेम है तो सबसे सस्ता सवाल है, दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल। एक प्रकार से यहां से लो, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा? NaCl। ये सिर्फ याद करने का तरीका, बताओ इसमें भी दोनों कैंसिल, क्या बचा फॉर्मूला? ये होता है इसका फॉर्मूला, सिंपल है। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें थर्ड वाले में बहुत मजे आएंगे, क्योंकि थर्ड वाले में तुम्हें एक्चुअली समझ में आएगा। मैंने लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत आराम से समझना, लिखना नहीं है। क्या कोई मेरे को एल्यूमिनियम की हेल्प कर सकता है? Al+3। Al+3। ऑक्साइड का क्या होता है बताओ? अब ध्यान से बताओ, मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसको दो, इसका इसको दो, बताओ। एल्यूमिनियम लिख दिया, ओ लिख दिया, इसका जो चार्ज है बताओ वो किसको देना है? ओके बताओ, ओ का जो चार्ज है वो किसको देना है? एल। ये बन गया फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वाओ, सो सिंपल, कुछ नहीं। अब बताओ भैया ये क्यों कैंसिल नहीं हुआ? सिर्फ सेम वाले कैंसिल होते हैं, मन में सोचना है कैंसिल हो रहा है, सेम वाले भैया, अलग अलग थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई और करते, लिखना मत। चौथा, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखना, लिखना नहीं है बिल्कुल। बताओ कैल्शियम कोई मेरी हेल्प करेगा? Ca+2। हाइड्रोक्साइड कोई मेरी हेल्प करेगा? OH-। कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है? वन। अब ध्यान से देखो क्या करना है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये Ca लिख दिया और यहाँ OH लिख दिया। अब बताओ ये Ca का जो टू है ये कहाँ जाएगा? OH। भैया तो दोनों के पास जा रहा है, तो दोनों के पास जब भी जाएगा, दो एक से ज्यादा के पास, तो अपन क्या बना देंगे, ब्रैकेट। दोनों के पास क्या चला गया? टू। बताओ इसके पास क्या जाएगा? वन। इसके पास तो ये एक ही आदमी है, कैल्शियम पे वन। बताओ क्या वन कभी मैं लिखता हूं? नहीं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH। बताओ ये सुना है कहीं, देखा है फॉर्मूला? देखो यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कल अपन ने करे थे इस पे सवाल। क्या? हाँ, अच्छा प्लस माइनस नहीं जा रहे, किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं गए, सिर्फ वैल्यूज गई हैं। इधर भी कहां गया माइनस, इधर भी कहां गया प्लस, सिर्फ वैल्यू जा रही, नंबर्स जा रहे। प्लस माइनस से जस्ट डिनोट ये मेल है फीमेल है, दैट्स ऑल। अगला और देखो, लिखना नहीं। फिफ्थ प्रॉब्लम, जिंक, जिंक ब्रोमाइड। चलो मुझे बताओ जिंक कितना होता है, सभी लोग, ब्रोमाइड कितना होता है? -1। कोई इसका फॉर्मूला बता सकता है मेरे को? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। हाँ बताओ, ZN और टू, वेरी गुड। बताओ भैया बी आर में मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तो वो एक ही आदमी है, ब्रोमीन पूरा एक ही आदमी है। धन्य आ गया भाई सभी को, आप ये पांचों कर लें, फिर अपन और पांच प्रैक्टिस करते हैं और डाउट पूछते चले, पूछे भाई। तो यहां पर प्रोग्रेस कर रही है।
प्लस माइनस को भूल जाओ, मैं कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं चला रहा हूं। साइन का बिल्कुल टे, अपन को नंबर से लेना देना बस है। ठीक है, लिखो भाई फटाक से सभी लोग, ट्राई करो बिना देखे लिखो तो आपको चीजें याद होंगी। लिख तो क्या लिखा मैंने और फिर उसके बाद ट्राई करें। तो आज अपन कम से कम टारगेट लेके चले 25 तो लगभग लिख ही लें, 25-30। तो कोशिश करें भाई जल्दी लिखो फटाफट, आराम से ट्राई कर करके करना। और अभी बहुत सारे सवाल करेंगे तो टेंशन नहीं है, लेकिन आज की क्लास के एंड तक मुझे बहुत सारे फॉर्मुलेस बनने चाहिए भाई। ठीक है, और जिसका ये हो जाएगा वो सिक्स वाले को ट्राई मारे। कम ऑन, बहुत सिंपल है भाई ये, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो जहां लगे मुझे समझ नहीं आया, बाकी तो ये सोच के ही नहीं रखना है, अभी आज ही समझ के फ्री होना है अपन को। और है रद्दी बहुत, बस अपन को टेबल याद है तो बस खत्म चैप्टर, कुछ बचा ही नहीं। अभी लास्ट पार्ट है चैप्टर, जिसका हो जाए सिक्स मुझे बताएगा भाई, जल्दी कम ऑन। रुक जाओ, अभी कोई बताएगा नहीं, अभी सिर्फ सबको ट्राई करनी है। जिसका हो जाएगा सिक्स वो सातवां आठवां नौवे पे चला जाएगा। बस कुछ नहीं, इधर उधर भेजना है, दैट्स ऑल। जिसमें भी डाउट हो तुरंत पूछो, भैया ये चीज एक बार फिर से बता दी जाए तो मैं बता दूंगा। कष्ट है पूछ भाई किसमें आंसर, रुक जाओ। हाँ भाई कोई बताएगा मुझे, पोटेशियम ऑक्साइड बताएं, K2O। और किसी का K2O है या कुछ और है? K2O। अभी यहां देख लो सभी लोग, बताओ पोटेशियम कोई मेरी हेल्प करेगा, कितना होता है जल्दी बताओ? K+1। ऑक्साइड कितना होता है? O-2। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना है, K लिख दो O लिख दो। ये टू जो था यहाँ पे वो किसके पास चला जाएगा? K के पास। और ये वन इसके पास, बताओ वन लिखता हूं क्या आंसर किसका? ये सही था छठवा, बहुत बढ़िया, छह लोगों ने सही करा, चलो वेरी गुड भाई। जल्दी पहुंचे, स्पीड स्लो है मतलब जल्दी। हाँ रुक जाओ, सारे करो सातवा आठवा नौवा फटाक से। हाँ भाई, हाँ ये क्रॉस दिखाना जरूरी है, स्कूल वाले बोलते दिखा दो, वो याद है वो भी अक्षय कुमार भी दिखा रहा है, वैसे तुम्हें भी दिखाना, जल्दी दिखाओ। हाँ मतलब जल्दी करो भाई, ओ तुम चुप रहो, जल्दी दिखाओ जल्दी। आयोडाइड में आई के ऊपर -1, कुछ नहीं लिखा है मतलब वन। बोल भाई क्या बोल रहा है? वाला क्या लिखा है? सेवेंथ वाला लिखा है भाई सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आज, रुक जा भाई 1 मिनट। हाँ भाई पूछ। OH में ब्रैकेट, क्योंकि O एक अलग एलिमेंट है याद करो, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, और ये जो टू है दोनों के पास आ रहा है राइट, दो दो आदमी के साथ, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना के बोला दोनों के पास है ये। ठीक है लिख लो, जितने डाउट पूछ सकते मेरे भाई, दिल खोल के पूछो, पूछ भाई। करेक्ट, नहीं ब्रेक नहीं करना, मैथ नहीं चल रही है, केमिस्ट्री है। हाँ भाई क्या कोई मेरी सातवें में मदद करेगा? बहुत सारे मदद करने वाले हाथ है, आप बताइए कैसे करेंगे वाल? अरे आप, हाँ चलो आप ही बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ, सिल्वर का क्या होता है?
एजी ओ जी लो जी आयोडाइड का बताओ। वेरी गुड। अब केतु सबसे टट्टी निकला, क्यों? प्लस वन माइनस वन डायरेक्ट कैंसिल, तो क्या आ गया? एजीआई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसका एजीआई सही था भाई? बहुत सारों का, ऑलमोस्ट सबका था सिवाय रुद्रांश के। वेरी गुड भाई, तो साले इतनी तेज क्यों कर रहा है? जल्दी करो, बहुत बढ़िया, जल्दी कैल्शियम कार्बन। अभी रुक जाओ, अभी सबको ट्राई करने दो। बहुत बढ़िया, आपको अगर बन रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली चीज जो आज कर रहे हो। ये मैं दे ही रहा हूँ पेपर में, चार चार पांच पांच नंबर के, तो इसलिए बहुत तैयारी तोड़ के करो। हाँ फॉर्मूले बस बनाने हैं, इतना रद्दी भाई। हाँ बस याद ही करना मीन, वही तो है निंजा टेक्निक इसमें, बस जिसको याद हो गया उसको जोधा बन गया है वो। क्योंकि तो आपको पेपर में या क्विज में टेबल नहीं दी जाएगी। हाँ भाई कष्ट, हाँ पूछें। नोटबुक में कष्ट है, ठीक है। क्लासमेट सुन लो। हाँ, ये बहुत अच्छा वाला है, इसको अभी देखेंगे तुम अगले पे जाएंगे। ये बहुत फाड़ू क्वेश्चन है भाई। बहुत बढ़िया भाई। चले मैं, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा आठवें वाले पे? हाँ तो उठाओ भाई, बहुत बढ़िया, भैया बताएंगे हमारे को। तो एक मिनट रुक जा भाई, अल्लाह नहीं तुम्हें मामा बना देंगे अभी। हाँ भाई चलो आओ यहाँ पे। चलो भाई मेरे को बता, कैल्शियम कितना होता है? HCO वेरी गुड, Ca2+। कार्बोनेट बता, नहीं कार्बोनेट बस है ना? कार्बोनेट ही रहा, बिल्कुल सही है। हाँ बोल बोल। -2। अब बहुत बढ़िया भैया, इसमें दिमाग ही नहीं था। बताओ क्या दोनों सेम सेम है? तो इसके तो सबसे रद्दी रहते हैं। डायरेक्ट आंसर बताओ क्या बचा? आंसर वाओ, कैल्शियम का। बहुत बढ़िया ब्रो, वेरी गुड। अगले पे जाओ जल्दी, 11 तक के क्वेश्चन, पूरे 11 हो गए। जल्दी हाँ नौवा दसवा 11 तैयार है तुम्हारे लिए। रुक जा भाई, आयरन के बाद लिखा है भाई आयरन 3, क्योंकि तुम्हें पता आयरन के दो दो होते हैं, इसलिए आयरन 3। जल्दी बिना अल्लाह के घूसा भी मार सकते हैं। किसका बज रहा है? कुछ और बजा देंगे, जल्दी जाओ बाहर। हाँ भाई जल्दी करें, रुक जा रुक जा। कौन से पे है मैडम आप सारे? अरे इतनी जल्दी नहीं करना है। हाँ कष्ट आया, कौन से वाले? हाँ ये तो +2 -2, बिना दिमाग लगाए हट गए। अबे अपन ने याद ना पहला क्वेश्चन तो वही किया, जरूरत ही नहीं है। अगर सेम वैल्यू थे तो बहुत सबसे तेज होएगा, तो उसमें तुरंत टेंशन। हाँ रुक जा मेरी भाई। नहीं हाँ भाई, क्या कोई मेरी 9वीं की हेल्प करेगा? 9वीं सबसे टफ क्लास है, देख लो भाई। हाँ भाई आप बताएं। बिल्कुल, यहाँ देखो ये बहुत टफ है भाई। एल्यूमिनियम कितना होता है? +3। सल्फेट कितना होता है? अब पहले मैं Al लिख देता हूँ और SO4 लिख देता, अब बताओ। बहुत बढ़िया भैया, Al के पास क्या आएगा? ये 2 आएगा, याद है भाई? ये 2 आ गया। अब वाओ मैन, वेरी गुड मैन। इसने क्या किया देखो, अभी 3 को नीचे भेजना था, बट बहुत कंफ्यूज हो रहे थे दो दो लोग, लेके ब्रैकेट बना के पेल दिया। वाह यार बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। समझ आया भाई? मैडम समझ आया कैसे किया? ब्रैकेट बनाया क्योंकि दो आदमी थे, सल्फर भी था ऑक्सीजन भी था, एक साथ पैक किया 3। हाँ भाई जल्दी कर। आराम से मेरे भाई, सोच लो कैसी आवाजें आती इससे, तुरंत चला जाएगा। भैया दसवा क्या लिखा है आयरन के बाद? हाँ 10वां लिखा है भाई आयरन 3 ब्रैकेट में और नाइट्रेट,
आयरन थ्री नाइट्रेट क्यों भाई? जल्दी स्पीड में रुक जा। हाँ भाई, क्या कोई मेरे को दसवा बताएगा? हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ जिसके हो गए दसवा, जल्दी दसवा। वेरी गुड। हाँ, आरना बताएंगी, आरना बताएं आयरन थ्री का क्या मतलब है? ठीक है? वेरी गुड भैया, थ्री लिखा है मतलब थ्री वाला लूंगा, N-3। अब बताओ इसे। बिल्कुल सही भैया, ये तो सेम साइन था, सबसे टट्टी सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट FeM। कोई डाउट है भाई? हाँ, गलत कर दिया, जो मैं चाह रहा था वही गलती। ये नाइट्रेट है, और इनने क्या बता दिया? नाइट्राइड। वाह, तो क्या नाइट्रेट किसी को दिख रहा है यहाँ पे? ये रहा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NO3-1। अब बताओ फॉर्मूला, आप बताएंगे। हाँ हाँ बहुत, थ्री। हाँ होल थ्री, वेरी गुड। सुनना है भाई सभी को, बताओ। वन तो मैं लिखता नहीं, मैंने लिखा नहीं, और ये थ्री होल बना के लिखा, क्योंकि दो आदमी थे। कहाँ पे? ये तो ऊपर नीचे का सेम है, ऊपर ऊपर देखता हूं मैं, तुम एक का ऊपर एक का नीचे, ऐसे नहीं चलेगा। नीचे नहीं देखना, फोकस ऑलवेज ऑन ऊपर। यस, एम। यार नहीं, जोक नहीं मारू। चलो अगला, जिंक फॉस्फेट। रुक जाओ, नए आदमी चाहिए, नए आदमी चाहिए। हाँ, अनिका कपूर बताएंगी। बताएं भाई, जिंक कितना होता है? हाँ, ZN। मैंने बोला जिंक कितना होता है? Fe+2। अबे पूरा बताओ बे। हाँ, Zn+2। फॉस्फेट लेवल बताओ। नीचे हाँ वेरी गुड, ये भी बहुत टफ है भाई, अगर आप तुमने ऊधम किया तो मैं आखिरी में भेज देंगे। हाँ अब यहाँ बता प्लीज। Zn3। वेरी गुड, और ऑल ट्वाइस। वेरी गुड भाई, बताओ क्या सभी को समझ में आया ये वाला कैसे किया है भाई? किसी को डाउट है प्लीज पूछ लें। गुड। लेकिन 12th वाले कैल्शियम के बाद क्या है? कैल्शियम के बाद लिखा है सल्फेट, PH8। हाँ, ऊपर फाइट है, नीचे सल्फेट है। कैल्शियम सल्फाइड। हैं? हाँ, अभी 12th पे रुक जा। नहीं, नया आदमी चाहिए। नहीं, आप भी भैया नीचे, आप भी नीचे। आप बताएंगी, बताएं कौन सा 12वां बताएंगी? कैल्शियम बताओ कितना होता है? +2। वेरी गुड। सल्फाइड कितना होता है? तो ठीक SO3 की पावर -2। अब बताओ, ये तो सबसे रद्दी हो गया, क्यों भैया? 2 और 2 कैंसिल, बताओ क्या बचा फाइनल? वेरी गुड, CaSO3। क्या रद्दी सवाल है वे, ये सबसे टफ पार्ट है इस चैप्टर का, दिस इज द टफेस्ट। मैं आपको बता दूं, 10th वालों को, सालों को यही नहीं बनता। अरे हंसने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी जगह पढ़ना था उन्हें। हाँ अभी कष्ट आया बच्चे। SO3 को ब्रैकेट में लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख सकते हैं, बट क्यों लिखे? इसके साथ कोई है ही नहीं बाहर, अपन क्यों लिखते थे? क्योंकि बाहर कोई आदमी प्रेजेंट रहता था, इसलिए लिखते थे। है ही नहीं तो काहे कमरे में बंद कर रहे हैं? आजादी में रखो उसको, काहे तुम्हें बंद करेगा कमरे में, फिर भैया कैसा लगेगा? फिफ्टीन नहीं, 15th वाला क्या है? वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
रुक जाओ, हाँ भाई, क्या कोई मेरी 13वें पे मदद करेगा? आप बताएंगी, बताए कैल्शियम कितना होता है? अरे बोलने दो यार प्लीज, कैल्शियम, वेरी गुड, Ca+2। सल्फेट बताओ कितना होता है? हाँ, SO4-2। तो बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या बना? SO4। भैया प्लस टू माइनस, ये सबसे रद्दी, सेम साइन है, सेम वैल्यूज है, तो अलग नीचे कर लो, तुमसे पूछ लिया है। चले, मैं कैल्शियम सल्फाइड, कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है? नहीं, हाँ आप बताएंगे ब्रो, आप बताएं भाई, कैल्शियम कितना होता है? Ca² आ रहा है, Ca+2। मैथ भाई हर जगह मत कर, बहुत टेंशन है मैथ में। हाँ भाई, Ca+2, और सल्फाइड, सल्फाइड S-2। तो बताए क्या बन गया? Ca, क्योंकि +2 -2 कैंसिल। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, गुड। 15वां कौन की दम है बताने की? कृतज्ञ ने एक भी नहीं बताया, और किसने नहीं बताया है? मैंने और देव कपूर ने, और सारांश ऑनलाइन में किसी ने नहीं बताया। अरे बता दे। हाँ भाई रुक जाए, हाँ भाई ऑनलाइन वालों कोई बता सकता है क्या भाई? ये वाला हमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन मैं कार्बन। हाँ सारांश बता भाई, ट्राई मार, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg2+ बिल्कुल सही, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन Mg+2। कार्बन, हाँ कितना होता है वो? हाइड्रोजन कार्बन हाँ HCO3-1। वेरी गुड, HCO3। यहाँ देखो भाई, यहाँ तीन आदमी साठ में आ गए। अब बता भाई आंसर इसका, बता। फिर Mg, हाँ HCO3, हाँ 3 नीचे और ब्रैकेट पे 2। वेरी गुड, होल ब्रैकेट टू, बहुत बढ़िया। बताओ भाई किसकी फट गई वो 15th क्वेश्चन देख के आए, बताओ भाई। वेरी गुड भाई, चलो कौन मेरी 16वें पे हेल्प करेगा? नया आदमी चाहिए, कृतक को घूसा मार नालायक को, जल्दी कृतक बताओ। हाँ बता, सोडियम, हाँ वेरी गुड, और सल्फेट, SO-2, पक्का? नीचे हाँ नीचे 4। हाँ अब क्या बना? हाँ Na2, हाँ SO4, बताओ गलत है? नहीं बिल्कुल सही है, क्या गलत है मुझे? अरे हाँ बताओ, Na2SO4, मुझे बताओ भाई, यहाँ पे 1 लिख सकता है तू, बट 1 लिखते नहीं है कभी, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब बता अपना डाउट। वेरी गुड, हाँ अभी कौन है जो मुझे 17 बता सकता है? आप बताइए। अरे रुक जा, ऑनलाइन वाले नालायकों, आयुषी, चश्मा, सेकंड चश्मा, बिना चश्मा, जल्दी बताओ कोई भी बता सकता है? नहीं तुमसे नहीं पूछ। हाँ देव भी तो बच्चा है भाई, हाँ देव भाई बता, सोडियम कितना है? तमीज से बताओ सोडियम कितना है, हाइड्रोक्साइड। तो क्या बचा फॉर्मूला? आप सुने सभी लोग, अब 17 मैंने कराए, अब अगले 17 आप लोग बताएंगे क्वेश्चंस। तो अब ध्यान से सुने कैसे करना है, ध्यान से देखो, अभी तक के मैं क्वेश्चन में कर क्या रहा, आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखो। मैं एक मेल उठाता हूँ और एक फीमेल उठाता हूँ, देख लो प्रूफ। ए मैं मतलब सवाल में उठा रहा हूं, तो सुनो भाई, एक मेल बताओ सोडियम का मेल है, मतलब एक मैं प्लस का उठाता हूं कोई भी, और एक किसका उठाता हूं? नेगेटिव वाला, देख लो प्रूफ। सोडियम प्लस का उठाया, हाइड्रोक्साइड किसका उठाया? नेगेटिव का। कोई भी क्वेश्चन उठा लो भैया इसको, कैल्शियम बताओ प्लस का था मेल, सल्फेट क्या था फीमेल। अब तुमको सवाल मुझे देने हैं, सब लोग एक एक क्वेश्चन रेडी कर लो, एक मेल और एक फीमेल को मिला के अपना एक क्वेश्चन बनाओ कुछ भी, और मुझे सबको क्लास में वो सवाल करना है। सभी लोग एक एक क्वेश्चन रेडी रखेंगे जल्दी, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। तो 17 के बाद कितने लोग हैं? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तीस, भैया हो गया। वाह हाँ, अरे 31, 32, 33, 34, 35।
चलो भाई जल्दी से, रुक जा रुक जा भाई, मैं पहले बोर्ड क्लीन कर दूं उसके बाद। क्या? हाँ जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे तुम्हें बनाना है, बताओ जल्दी। सबसे टफ सोचो कि तुम्हारा सवाल कोई ना कर पाए, कोशिश करोगा जल्दी यार, कोशिश करो अपना एक ऐसा सवाल ले आओ कि सबकी डैश हो जाए। रुक जाओ अभी सबको मौका देंगे लिखवाने में, ऑर्डर वाइज चलेंगे, इधर से पूछेंगे एक एक से, रेडी रखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी। कुछ भी, मैं हिंट दे रहा हूँ, रुक जा हिंट क्या है भाई, एक मेल एक फीमेल, कुछ भी मेल उठाओ कुछ भी फीमेल उठाओ इधर से, रुक जाओ। हाँ 18, एक साथ मैं लिख दूं पहले, 19, नहीं साइड नहीं होंगी, 22, 23। चलो भाई आप बताएं अपना क्वेश्चन। अबे ऐसे नहीं बताना, सिंपल नाम बता, आयरन और आगे बता, आयरन नाइट्राइड। चलो भाई सभी लोग इसको बनाएंगे भाई, आयरन नाइट्राइड यही है। अच्छा आयरन थ्री वाला, अच्छा भैया आयरन अमोनियम थ्री। सल्फेट। रुक जा भाई अभी आते ऑनलाइन वालों पे ऑर्डर, बहुत फाड़ू क्वेश्चन पूछा है भाई लेकिन तूने, बहुत बढ़िया आयश, अच्छा क्वेश्चन है। देव अपना क्वेश्चन बता जल्दी से, सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें 18वां जल्दी से, बहुत। अरे यही तो बंदा कह रहा था यार, बहुत फाड़ू क्वेश्चन है, अमोनियम फॉस्फेट, वेरी गुड। चलो अगला भैया आप बताएं, बाप रे, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेरी गुड भाई। सभी लोग ये फटाफट सॉल्व मैं करने स्टार्ट करें, रुक जा ऑर्डर वाइज, पहले ऑफलाइन निपटा लेते हैं। आप बताएं भाई, मैग्नीशियम एक साथ दो दम दे दिए फीमेल। एक बार में एक लेंगे, दो दो सहन नहीं होंगे तुम्हें। हाँ भाई अब बताओ फिर से सवाल, रुक जा। पोटेशियम हाँ पोटेशियम भाई, एक साथ एक लोग, खुद सोच कैसी बातें कर रहा है। हाँ अभी अगला रुद्रांश बताएं अपना सवाल। हाँ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सभी लोग की कॉपी, मुझे सवाल सॉल्व चाहिए भाई, कम ऑन। आप बताएं अपना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बहुत बढ़िया। अल्लाह नहीं, घर का ग्रुप है, पिद्दी मेरे छोटे भाई का नाम है, उसको बोलते हम लोग, नाइट्रेट बहुत छोटा बच्चा है भाई, गॉड। रुक जा, अरे ये अमोनियम करते हैं, ठीक मेरा है। अच्छा अमोन, क्या क्या बोल रहा है, क्या लिखूं, पे साले किसी और का मत छेड़ो अपना करो। अच्छा तेरा था क्या, तो ये किसका था, अब नहीं बदल रहा, फिर से बोल दे रहा क्या था, मैग्नीश। अभी एक और पूछ लेंगे, तू वो रेडी रख रहे, तेरे को लग रहा है किसी को नहीं बनेगा, क्वेश्चन रेडी रख। अगर आपने कोई आज ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो किसी को नहीं बनेगा, तो भाई आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन योर मेजर थ्री। अगर आपने कोई ऐसा सवाल दे दिया जो किसी को नहीं बनेगा, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ भाई चल मैन, सभी लोग हल्ला नहीं भाई, भैया क्लोरो क्लोरो कार्बन। नहीं रुक जाए, और ध्यान रखना एक ही मेल लेगी एक ही फीमेल लेंगे। अच्छा ये लिया है उसने, दो फीमेल नहीं एक ही, मम्मी से पूछो, मम्मी मैं दो दो बहू ले आऊं, मम्मी के चेहरे पे खुशी, चलो बढ़िया है भाई, इधर से भी सेवा उधर से भी, एक एक टांग एक एक टांग तब आएगी। हाँ भाई चलें, 24 25 भैया 21 26 होना क्या है? 21 वाला है भाई, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। चलें भाई, मैडम आप बताएं अपना, कैल्शियम फॉस्फेट भाई, कोई भी ऐसा सवाल जो तुम्हारा किसी को नहीं बनेगा, 10 मिनट मिलेगा एक्स्ट्रा, मैडम बताएं अपना। कॉपर और ब्रोमा, ब्रोमा सुनाई दे रहा था, ब्रोमाइड, कॉपर का कौन सा, कॉपर के दो है मेरे पास, एक 2 वाला एक 1 वाला है, 2 वाला ठीक है, तो कॉपर 2 ब्रोमाइड, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अगला आप बताएं मैडम, ब्रोमाइड ब्रोमाइड एल्यूमिनियम, पहले मेल को रखा करो, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड,
हर जगह भाई वो चल रहा है क्या? फेमिनिज्म, यस भाई, गलत बात है बट गलत है, अब चलत है, क्या बोलूंगा। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ध्यान रखना कोई ब्रोमाइड पहले मत लिख देना साले। अभी खुद सोचो, इसको चाहिए, लेने ही, देने ही वाला कोई नहीं है, कैसे आएगा वो सामने? भाई मांगे भी अपन उससे ना जो दे रहा हो कोई, पर मांगे दे दो अभी सामने देखो तो कोई है भी लेने वाला। वेरी गुड, याद रहेगा भाई सभी को, पहले देने वाले फिर लेने वाले। अगला आप बताएं, पोटेशियम पोटेशियम फॉस्फेट। तो भाई मैं ऑर्डर वाइज चल रहा हूं तो अपन को पता है किसने क्या दिया है, तो अब जिसका क्वेश्चन किसी को नहीं बनेगा भाई उसको 10 पॉइंट्स, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। ओ मैडम ने दिया अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओ माय गॉड, कम ऑन, अमोनियम जल्दी भाई, सभी लोग सबका करना है भाई, अमोनियम हाइड्रोजन का। कितने लोग बचे हैं भाई? सिर्फ 2 लोग। हाँ भाई चलो भाई बताओ, कृतज्ञ ये अपना क्वेश्चन ऑनलाइन बड़ा वाले से। भी हाँ अमोनियम सल्फेट हुआ तो नहीं है ना, ये अमोनियम वाला नहीं ये हुआ। ऑनलाइन वाले भी हैं, अभी बच्चे हैं। हाँ भाई रुक जा रुक जा, अमोनियम सल्फेट जल्दी भाई, सभी लोग के सवाल चाहिए मुझे। तीस पे आ गए भाई, वजनदारी बोलिए मैडम। जिंक फॉस्फेट, चलो सभी लोग फटाफट सॉल्व करें जब तक हम ऑनलाइन वालों के सुन रहे हैं। हाँ यस भाई, सारांश बता अपना क्वेश्चन। 31, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओ माय गॉड। पोटेशियम हाँ भाई 21 वाला भाई लिखा है पोटेशियम आयोडाइड, हाँ 18 के आखिरी में जिंक नाइट्राइड। जिंक नाइट्राइड किसका है? आपका है ना आई थिंक, किसका है जिंक नाइट्राइड? हाँ आयरन नाइट्रेट, सॉरी सर। हाँ भाई जल्दी सभी लोग सॉल्व करें भाई, स्पीड में आपको तेज करना है फटाक से। 23 ये 23 वाला क्या है? अच्छा वाला है मैग्नीशियम कार्बोनेट। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई पूछ लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड लिखा है तो राइटिंग गंदी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट भाई, अभी भी तुमको एक और मौका दिया जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन तुमने बता दे जो कोई ना बता पाए। कम ऑन भाई सुख जाए। 32 अभी सारांश हो गया। आयुषी आप बताएं अपना क्वेश्चन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अरे यार थोड़ा दम दिखाओ मैन। चार निकाले, मेरे से चारों पूछ लो या फिर नहीं अभी आप बताओ, आयश कपूर जल्दी बताओ। हाँ सल्फ्यूरिक आयश जल्दी बताओ। एसिड नहीं सल्फ्यूरिक H2S। एसिड इसमें नहीं है भाई, लिस्ट में नहीं। और कोई बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड अपना अपकमिंग चैप्टर में अपन देखें जल्दी। बताऊं, हाँ थर बता भाई। एक है गैस हाँ बता, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। वेरी गुड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अथर्व का भाई। क्या भाई कौन H24 क्या है? सा? एक मिनट हलना नहीं, 25 ये रहा भाई, कॉपर टू ब्रोमाइड पूछ, ट्वेंटी मैग्नीशियम कार्बोनेट। यस जल्दी करो, भूसा भी मार सकते हैं। अरे काम तो तुम्हें हम खेलने भी नहीं देंगे ना। जल्दी करें भाई, आपके सामने बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। आया जल्दी बता, और पंचायत सीजन 10 जल्दी बताओ कोई भी। भैया अमोनियम और नाइट्रेट। अमोनियम ठीक है भाई जल्दी करो, अमोनियम नाइट्रेट, ये पंचायत सीजन 5 का क्वेश्चन। हाँ ना आयश बता रहे हो, सोच रहे हैं भैया, याद नहीं आ रहे हैं। जल्दी सोचो। हाँ भाई बाकी लोग जल्दी करें भाई, आपके पास है पूरे पूरे 10 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फटाक से। टोटल क्वेश्चन आ 34, आयश का 35, खत्म, इतना ही करेंगे। भैया बताओ पोटेशियम कार्बोनेट। चलो ठीक है, 35 पोटेशियम कार्बोनेट। अमोनियम सल्फाइड,
हाँ रुक जा, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अभी ये लिखे रहे, चलो इसको करो, याद रखना बस, अगर लगेगा तो देखेंगे। सभी लोग जल्दी से भाई, आयोडाइड आयोडाइड ही है, देखना बीच वाली लिस्ट में आयोडाइड ही है। मैं दे दूं, मैं मेरा टफ जो था वो ऑलरेडी यहाँ लिखे हुआ है, बताएंगे अगर किसी को नहीं बनता तो वो अच्छे से बताएंगे। हाँ भाई करो जल्दी से, कम ऑन। 25th वाला कॉपर टू ब्रोमाइड है, ये ट्वेंटी किसी को सेवन पूछ। वाला है। 27 में लिखा है भाई, पोटेशियम फॉस्फेट। कम ऑन गाइस, कम ऑन, 35 क्वेश्चंस, आप 18 पे हो अभी, पूरे डबल करने आपको। हाँ टेबल आपके सामने है, जहां डाउट है वहां देख के करो। CO3 माइनस टू, यस। ये 28 वाला क्या है? 28 में है भाई, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कम ऑन भाई, एक आध सवाल ऐसा कर दो गलत कि एक बंदे को मिल जाए 10 मिनट। है ट्वेंटी 29 वाला क्या है? 29 है, अमोनियम सल्फेट। मेरे को सबसे टफ लगते सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, वो तीनों एक से दिखते हैं, और एक नाइट्रेट और नाइट्राइड, ये दोनों, ये पांचों आदमी मेरे को बहुत कंफ्यूज करते हैं। सल्फाइड के वो तीनों, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, और वो नाइट्राइड और नाइट्रेट, ये दोनों। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, ठीक बोलते भैया 30 वाला क्या है? ये 30 है, जिंक फॉस्फेट। कम जल्दी सभी लोग भाई कॉपी में करेंगे। 3 मिनट, जल्दी जल्दी करना साले, इतनी स्लो क्यों कर रहे हो? ऑनलाइन वाला देखो 30 पे पहुंच गया है वो, अब इसमें क्या टीकना भाई, चलो जल्दी भाई स्पीड में। कम ऑन गाइस, कम ऑन, वन अपन कभी नहीं लिखेंगे, अगर सेम चार्जेस आ रहे दोनों जगह तो वी कैंसिल इट और डायरेक्ट लिख देना, अभी कोई हेल्प नहीं भाई, डाउट आउट भी कुछ नहीं, अभी अपन करेंगे एक एक सवाल फिर पूछेंगे। जल्दी भाई आखिरी 6 मिनट, 6:10 पे मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी। कम भैया ऑन 32 गाइस, क्या वाला क्या लिखा है? 32 लिखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
आज नहीं, कल 20 क्वेश्चन का क्विज है इसी का, इसी टॉपिक का। कल आपका मेगा क्विज होने वाला है, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे मेगा क्विज, इन्हीं में से 5 क्वेश्चन आएंगे। हाँ इन्हीं में से, वो सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना मेरे को, यही डाले क्वेश्चन, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट टूट के आएंगे। इसलिए कल तुम्हें एक चिंदी में करना है, नहीं तो तुम पलट पलट के करते, तुम बहुत होशियार हो। इसलिए भाई अपन क्या करेंगे, तुमको एक चिंदी देंगे, उसमें तुम लिख के करो, और टेबल नहीं देंगे। कल मेगा क्विज इसके नाम है भाई, जो तुम आज कर रहे हो, भैया बीस जी आपने उसके सवाल बारे में नहीं बताया, इसके बाद भाई। वही मतलब उसके बारे में बेसिक और स्टैंडर्ड में। कल हाँ बेसिक स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया। थर्टी मेरे थर्टी पापा बुला रहे हैं, ठीक तो मैंने भैया डिस्कस किया, तो पापा भी बोल रहे हैं कि हाँ स्टैंडर्ड ले लो। है, जिंक फॉस्फेट। भैया 33 वाला क्या 33 में मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वेरी गुड भाई, 33 पे पहुंच चुकी है जनता, वेरी गुड, कम ऑन बाकी लोग, 33 हो गया, वाह यार भाई, 35 के 35 हो गए भैया के, बहुत बढ़िया है, हर्ष कपूर के। जल्दी भाई, अंतिम 4 मिनट, कम ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमने आज किया है भाई, इसको घर जाके और प्रैक्टिस कर लेना, आपकी शीट में आगे क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई 34 क्या है? 34 है, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये वर्ड्स बहुत ध्यान में रखना, किसमें ए है, किसमें आइड है, किसमें क्या है, वेरी गुड, कम ऑन गाइस, 3 लोगों का हो गया 35 तक। मैंने 30 वाले नाइट्रोजन लिखा है ना, 30 वाले 30 में लिखा है जिंक फॉस्फेट, और 29 में लिखा है अमोनियम सल्फेट, 31 जिंक फॉस्फेट के नीचे। अच्छा 31 में लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लास्ट 3 मिनट्स, अंतिम 3 मिनट और, पूछें। तो यहाँ पे वैल्यू तो फिर तो लगाएंगे ना, यहाँ पे 35 सेम वाला, होगा। यस 35 वाला है पोटेशियम कार्बोनेट। भैया मन रहा है भाई आपको, आदर्श पढ़ाई करो भाई, और पुरानी तो देखी नहीं होगी रिकॉर्डिंग, नहीं देखी, शक्ल देखी होगा है, देखी, अपन वो है क्या बोल, अच्छा 28 27 के नीचे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सेकंड वाले कॉलम में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल रीजनिंग नहीं होगी रहे नाइस, क्या नहीं होगी आज? हाँ अच्छा गाइस, कल रीजनिंग नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अपने पास 7-6 बज जाते हैं, और फिर टाइम ही नहीं है अपन को, रात हो जाएगी, अमोनियम नाइट्रेट, इसलिए अपन अपना नेक्स्ट वाली जो क्लास है रीजनिंग की, नेक्स्ट सैटरडे पर। डन, वेरी गुड, शकल देखिए अपनी। हाँ भाई आखिरी 2 मिनट और, तो बहुत बढ़िया भाई। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, जल्दी तुम आपस में आंसर्स चेक भी कर सकते, जिसके हो गए, जिसके हो गए, यू कैन चेक योर आंसर्स विथ योर कलीग्स। भैया कल हाँ पूरे यार टाइम मैगा क्विज होएगा कि पढ़ाओगे भी आप थोड़ा? पढ़ाएंगे भी, तो कल स्टार्टिंग के 30 मिनट्स वी विल स्टडी, जिसमें मजाक करने वाले हैं, कुछ नहीं, अब दम नहीं है चैप्टर में, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक और बचा है, और फिर अपना मेगा क्विज, 20 क्वेश्चंस, साइंस का मेगा क्विज है, तो ट्राई करें भाई, पहले बंदे को मिलेंगे 50 पॉइंट सिर्फ इसका, टेबल नहीं मिलेगी किसी सिर्फ इसी के क्वेश्चन। का चले मैन, समय समाप्त हुआ भाई सभी का, चलो अब बड़ा बड़ा आंसर्स देखेंगे भाई, सब हल्ला नहीं। चले मैन, आयरन नाइट्राइड कौन बता सकता है?
नहीं, आप बताओ भाई जल्दी से, फॉर्मूला बताना मेरे को। रेडी रखो, एफ ई एन, वेरी गुड। अगला अमोनियम पर फॉस्फेट, पता रुद्रान जल्दी बता, अमोनियम फॉस्फेट, एच नहीं डायरेक्ट आंसर बस बताओ। फोर पीओ पोल थ्राइस PO4, क्या फोर ये सही है भाई सभी का? वेरी हाँ इंपॉर्टेंट भैया, प्रॉब्लम, ये किसने दिया था भाई? हार्डू क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, गुड। अगला भाई, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, बताएं भाई फाइनल आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड, कोई बताएगा? आप बताएं, बता दे तो भी, KI, वेरी गुड। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कौन बताएगा भाई? कोई है दम? आप बताएं जल्दी बताओ। NO3 और बाहर थ्री, मैग्नीशियम वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही। अगला मैग्नीशियम कार्बोनेट, कौन बताएगा? बताएं भाई। MgCO3 और बस, हाँ सही होता है, +2 -2 सही है, तो MgCO3, वेरी गुड। कैल्शियम फॉस्फेट, जल्दी बताओ क्या होता है, आप बताओ। टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉपर ब्रोमाइड, बताओ भाई कृतन। CU, पान थूक के बोलो, जल्दी बोलो। CuBr2, क्या ये सही है? सही सही है ना, कॉपर का टू लिया उसने, सही है, बिल्कुल गुड भाई। अगला बताएं भाई, आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, आप बताएं भाई। है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बताओ, AlBr3, चलो आप बताओ भाई, नालायक। पोटेशियम फॉस्फेट, जल्दी कल क्विज आपको खेलने नहीं मिलेगा, आप बताएं। हाँ क्योंकि आप सुनते नहीं हो इसलिए हम आपकी नहीं सुनेंगे। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आर ने बताओ फटाक से। ओके NH4, फिर ओल में 3, HCO, क्या ये सही है? हाँ बताओ, NH4 हाँ HCO3 NH4 HCO3, बिल्कुल बिल्कुल सही। 3 कहाँ से लेके आई? हाँ बिल्कुल, अब मिलेगा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बन, बिल्कुल सही, सन में आ गया भाई वाला, ये अच्छा क्वेश्चन था, किसने दिया था भाई? हाँ भाई गुड, सन में आ गया, वेरी गुड। चलो अमोनियम सल्फेट, रुद्रांश बता भाई जल्दी, सिर्फ फाइनल आंसर। एगेन हाँ फोर माइस हाँ SO4, सही नहीं है, वेरी गुड, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, किसने दिया था भाई ये वाला? बहुत बढ़िया, गुड। अगला भाई, जिंक फॉस्फेट बता भाई। यार दैट इज थ्री ब्रैकेट में PO4 Zn3, ब्रैकेट में PO4 2 बार वेरी गुड। अगला भाई, अमोन एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बताओ भाई। SO3 बाहर 3, अच्छा HCO HCO3, हाँ यस यस, HCO अंदर अंदर भी बाहर भी, वेरी गुड भाई। अगला भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कौन बताएगा भाई? आप बताओ, बताना दे। अच्छा मैंने, चलो मैंने बता दिया, एक मेरा भी तो बनता है भाई। MgOH वोल्ट वाइज, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई बताएगा? MgBr2 MgBr2, हाँ भाई ऑनलाइन वालों से भी कुछ बता दे भाई। अमोनियम नाइट्रेट बताओ, कोई बताएगा ऑनलाइन? अमोनियम नाइट्रेट, हाँ NH4NO3 NH4NO3, वेरी गुड। पोटेशियम कार्बोनेट बता, मेरे वेरी, किसके सारे सही थे? बाप मेरे रे, बहुत सारों के भैया सही है भाई साहब, ये मेरे को सबसे टफ लगता था 9th में। पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम का होता है K+1, हाँ ओ, अरे कार्बोनेट का CO3 -2 होता है, मैडम के लिए कर देते हैं, K+1 और कार्बोनेट कितना होता है? CO3 -2, ये 2 नीचे चला गया तो K2CO3। ठीक है भाई सभी लोग, तो आज घर जाके ध्यान से सुन ले भाई, मेरा फोन कहाँ है? मेरा बैक पैक करो जल्दी से, नहीं गया नहीं
नहीं, यहाँ देखो सभी लोग, यहाँ देखो, ये है भैया हमको प्रैक्टिस भी दिखा दो। क्वेश्चंस। आप फटाफट ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, टुमारो विल टेक द डाउट्स एंड विल प्ले द क्विज। ऑल द बेस्ट, बाय। ये पीडीएफ में डले हुए ऑलरेडी। ठीक है, चले बाय गाइस। हाय भैया। बन गए ना यार, मैं चाह रहा था किसी को ना बने ऐसा कोई क्वेश्चन, क्यों नहीं अरे बनेगा यार। चलो बाय 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 बाय।